यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। यार गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नमूने दिखाने जा रहा हूँ जिनको आपने पहले भी देखा होगा और सुना भी होगा। सो लेट्स प्ले द वीडियो गाइस। ओ भाई, अब तो ये गया भाई। पुलिस वाले भी कहता है तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे माल भरने की। रुको मैं बताता हूँ। तब उसको पीछा करती है। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उस लड़का ने लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। तब क्या बोला तूने? भाई यार, पहले बोलना तो ठीक ले अच्छे से। यार तू कहानी एक सांस में बोले जा रहा है और तू बोल क्या रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। लड़का ने लड़खड़ा के गिर गया यार। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तब उसको पकड़ के जोर से एक थप्पड़ मारती है और कहता है अभी भाग के कहाँ जाएगा, अगर अभी भाग गए ना तो सीधा शूट कर दूंगा। पुलिस वाली को ये किया क्या तूने? तब उस लड़का ने कहता है मैडम मेरी बात एक बार सुन लो। फिर मैडम ने कहता है क्या सुनूं, और फिर से थप्पड़ मारती है। लेकिन उस लड़का का बात कुछ भी नहीं सुनता है और थप्पड़ मारते जा रहा है। तब लड़का ने कहता है मैडम मेरे साथ चलो, असल में हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, उस लड़का ने पुलिस वाली को क्या दिखाना चाहता है आप भी? अबे ओ चमन चूते बवासीर के मरीज, ये बात तो तू पहले भी बोल के बता सकता था ना। ये मांग भरने की क्या जरूरत थी? मारो का खोपड़ी तो। ये देखकर चौंक जाओगे, लेकिन देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। तब उस लड़का ने पुलिस वाली को लेकर जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़का ने बच्चे को किडनैप करके रखा था। तब उस लड़का को जेल में लेकर जाती है। हेलो दोस्तों, एक बार मैं जंगल में बैठ के हग रहा था, तभी एक सांप आगे पीछे से पिछवाड़े में मेरे चुपके से काट के चला गया। और फिर मैं उसके पीछे पीछे भागता गया और फिर मैंने सांप को पकड़ लिया। और सांप के साथ मैंने क्या किया उसको देखने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। फिर उसके बाद मैंने उस सांप की पूंछ पकड़ के उसको वहीं पटक के मार दिया। और अगर आप भी जंगल में हगते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मतलब कुछ भी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यार गाइस, ये ऊपर की हेडलाइन एक बार आप लोग देखो, ये 1.5 GB का डाटा है ना, मैं यही सब देखने में भाई खत्म कर देता हूँ। और एक बार इस ब्लैक चमगादड़ को देखो, ये तीसरी क्लास का बच्चा 3 लड़कियों को लेके रील्स बना रहा है। और एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे शाहरुख खान का भतीजा है। बेटे, जिस उम्र में तू कामा सूत्र जगाने की कोशिश कर रहा है ना, उस उम्र में बच्चे एक हाथ में अपना डंडा लेके और एक हाथ से अपना कच्चा संभाल के गाँव में टायर चलाते हैं। वाह बेटे, दो को रिजेक्ट करने के बाद ये खुद जा रहे हैं भाई प्रपोज करने। बच्चे के तो मोए मोए हो गए। बेटे इसीलिए कहते हैं जितना मम्मी खिलाए उतना खा के हग दो। जबरदस्ती खाने और हगने से बवासीर हो जाती है। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। बन रहे थे रणवीर कपूर, लगवा लिए ना एल। तो यार गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सिंगर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसके गाने सुन के नेहा कक्कड़ ने अपनी जज की सीट छोड़ दी थी। नहीं, नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। ए, चुप रे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भाई क्या दर्द था यार इसकी आवाज में। इसके गाने सुन के आदमी के कान तो क्या वो भी फट जाएगी। क्या बात करता है यार। कुछ भी हो यार, लेकिन शुरू के जो दो मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड थे ना, टिप टिप, वो सीधे भाई यहाँ पे यहाँ के दिल पे छू गए, भीतर तक हो गए बिल्कुल। ऐसी कौन सी अगरबत्ती धूप बत्ती लगाई थी जिसकी खुशबू से आप इतने जल्दी प्रज्वलित हो उठे और आपने इसकी जिंदगी में इतनी सुंदर कन्या भेज दी? मेरे पर भी थोड़ी दृष्टि कीजिए प्रभु।
और तू ये जो गाने गा रही है ना, मोहब्बत हुई है मोहब्बत हुई है, अगर अरिजीत सिंह को पता चल गया ना कि ये मोहब्बत हुई है तो बेचारा तेजाब पी के गला खराब कर देगा, जिंदगी में कभी गाना नहीं गाएगा वो। उनमें तेरे को क्या अच्छा लगता है? जिंदगी तो ऐसी हो। इतना सोच रहे ला तू? रुक रही है। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो यार गाइस ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, और वीडियो कैसी लगे लाइक और कमेंट करके जरूर बता दें, और ये जो काले काले अक्षरों में लिखा है ना इस पे क्लिक जरूर कर दिया करें यार। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।